हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम शिवा है। क्लास नाइन्थ की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी सो आप प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देख कर आइए, ताकि इन क्वेश्चन को करने में आप लोगों को और ज़्यादा आसानी लगे। क्वेश्चन है हमारे पास P0, P1, P2, यानी कि हमारे पास कुछ पॉलीनोमियल्स दे रखे थे। इनकी जगह, जो वेरिएबल्स की जगह, हमने 0 पुट करना है, 1 पुट करना है और 2 पुट करना है। सो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हमें कहता है कि Px इज इक्वल टू x की क्यूब, यानी कि x की जगह हमें पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 देख रखना है, उसके बाद चेक करना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। सो पहले मैं x की जगह रखता हूँ 0। तो जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 0 का क्यूब 0 होता है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो स्टूडेंट जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो इक्वेशन थी x का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, और आप सब जानते हो 1 की पावर कितनी भी हो जाए, 100 भी हो जाए, तब भी आंसर 1 आने वाला है। फिर अगला है आपका पी एक्स की पावर 2, यानी कि अब आपको x की जगह 2 रखना है। तो स्टूडेंट x क्यूब था, तो 2 का क्यूब कितना होगा, तो अगर हम देखें 2 का क्यूब 2 into 2 into 2, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 0 1 2 पुट करने पे x की क्यूब में आपको रिजल्ट मिलेगा 0 1 and 8। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हम 0 1 2 पुट करेंगे x की जगह। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं रखता हूँ x की जगह 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 0 रख दिए। अब देखते हैं, यहाँ पर 0 और -1 को माइनस करूँगा तो मुझे -1 ही मिलेगा। बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल ना हो, इसका मतलब वो दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, -1 आया मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा 0 + 1 1 होता है, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा -1। अगला देखते हैं हम लोग, एक्स की जगह मुझे 1 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं 1 पुट करूँगा, तो मैंने ये 1 पुट कर दिया। इस वाले ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा 1 - 1 0 मल्टीप्लाई, इस वाले ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा 1 + 1 2, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 को भैया किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आना 0 ही है। अब आ रहा है आपका P2 किसी को नहीं P2। यहाँ पे P2 जो आपका, यानी कि x की जगह आपको 2 पुट करना है, तो x की जगह जैसे ही मैं 2 पुट करता हूँ, तो बच्चों रिजल्ट देखो क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 2 + 1 होता है 3, और 3 × 1 बहुत मुश्किल है, 3 × 1 यार, अरे इतना मुश्किल कैसे कर पाओगे आप लोग। 3 × 1 बच्चों आप लोगों का होता है 3, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आने वाला सेम ही नंबर है, यानी कि 1 एक तरह से मिरर का काम करता है, इससे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी ना वो वही सेम रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 0 पुट करने पे -1 आया, 1 पुट करने पे रिजल्ट 0 आया, और 2 पुट करने पे रिजल्ट 3 आया। सो होप स्टूडेंट आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, समझ आ रहा होगा, वीडियो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, ताकि उसकी क्वारी को हम सॉल्व कर सके अलग से वीडियो बनाकर। सो ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा नाम शिवा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर इस चैनल में आप नए हो, सो पुरानी वीडियो देखना ना भूलिए मेरा, जिससे कि आपके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन देखते ही आप लोग यूं सॉल्व कर सको। सो मिलते हैं अब आप लोगों से अगली वीडियो में। सी यू सून।